एक्सपर्ट रातों रात नहीं बनते, काबिल बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहली सीढ़ी से शुरू करना पड़ता है, तब कोई उस मकाम तक पहुंचता है जहां उसके काम को पहचान मिलती है। आज के वीडियो में एक ऐसे ही महान फिल्मकार को याद करेंगे जिन्हें सिनेमा का इंस्टीट्यूशन कहा गया, सिनेमा का पर्याय माना गया। किसी ने उन्हें टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन सिनेमा कहा, किसी ने विजनरी, तो किसी ने क्रिएटिव जीनियस। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें प्यार से अन्ना साहिब कहा जाता था, लेकिन सिनेमा प्रेमी उन्हें जानते हैं, पहचानते हैं वी शांताराम के नाम से। क्लासिक और पाथ ब्रेकर फिल्मों के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता वी शांताराम। आधा है चंद्रमा रात आधी, मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया जमुना के तट पे विराजे हैं। दुनिया झूठों का बड़ा सर ताज निकला, गीत गाया बस उन्होंने, मन के सांस मेरे मन से ना निकले। फुल फ्लेश्ड एक्टर, एफिशिएंट एडिटर, विजनरी डायरेक्टर और काबिल प्रोड्यूसर शांताराम राजाराम वानकुद्रे। उनका जन्म हुआ 18 नवंबर 1901 को, पर वी शांताराम को बचपन से ही पढ़ाई से ज़्यादा दूसरी एक्टिविटीज़ में दिलचस्पी थी। वो अक्सर स्कूल के फंक्शन में स्टेज पर मिमिक्री किया करते थे। ऐसे ही एक फंक्शन में उस समय के मशहूर स्टेज एक्टर गोविंद राव तेंबे ने उन्हें देखा और अपनी गंधर्व नाटक मंडली में शामिल कर लिया। उस समय म्यूजिकल शोज ज़्यादा हुआ करते थे, पर वी शांताराम को गाना नहीं आता था, तो उन्हें या तो जूनियर आर्टिस्ट का काम मिलता था या फिर बैकस्टेज के काम, जैसे कि पर्दा उठाना गिराना। एक साल बाद वो इस प्रण के साथ वापस घर लौट आए कि फिर कभी थिएटर में काम नहीं करेंगे। वो फिर से स्कूल जाने लगे, मगर पढ़ाई में उनकी दिलचस्पी थी नहीं, तो उनके पिता के एक दोस्त ने उन्हें रेलवे की वर्कशॉप में काम दिला दिया। वहाँ उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया, उनकी तरक्की भी हो रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट हो गया। वो नौकरी गई तो दूसरी नौकरी की तलाश शुरू हुई। तब उनके एक कज़न बाबूराव पेंढारकर, जो महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में मैनेजर थे, उन्होंने वी शांताराम को वहाँ काम दिला दिया। वहाँ उन्होंने अलग अलग डिपार्टमेंट में काम किया और सिनेमा के हर पहलू को बारीकी से जाना। फिर बाबूराव पेंटर ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें अपनी फिल्म सुरेखा हरण में अभिनय का मौका दिया, और वहीं उन्होंने अपनी पहली फिल्म का निर्देशन किया जिसका नाम था नेताजी पालकर। फिर जल्दी ही उन्होंने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में अपनी मजबूत जगह बना ली, लेकिन वो वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर प्रभात फिल्म कंपनी बनाई, जिसकी पहली फिल्म थी गोपाल कृष्ण। उसमें बैलगाड़ी की रेस का एक दृश्य बहुत पसंद किया गया, और उसके बाद वी शांताराम अपनी हर फिल्म में कोई ना कोई ऐसा दृश्य रखने लगे जो फिल्म की हाईलाइट होता था। प्रभात की हर फिल्म के साथ उन्होंने नए नए एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पहली मराठी टॉकी अयोध्याचा राजा बनाई, पहली भारतीय कलर फिल्म बनाने की कोशिश भी की, पर रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे। अमृत मंथन वो फिल्म थी जिसमें उन्होंने लाइट एंड शेड का बेहतरीन प्रयोग किया। इस फिल्म में क्लोजअप शूट करने के लिए उन्होंने टेलीफोटो लेंस का इस्तेमाल किया, और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय फिल्म मेकर थे। यही वो पहली फिल्म भी रही जिसने सिल्वर जुबली मनाई। प्रभात के बैनर तले वी शांताराम ने 3 सामाजिक फिल्में बनाई, दुनिया ना माने, आदमी और पड़ोसी। इन फिल्मों ने बतौर निर्देशक वी शांताराम को सबसे अलग श्रेणी में खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्होंने प्रभात छोड़ दिया, या कहें कि छोड़ना पड़ा। वजह कई थी, एक तो अंदरूनी मतभेद, दूसरा वी शांताराम और प्रभात की हीरोइन जयश्री की शादी, और शादी के बाद भी जयश्री का वहां काम करना, जबकि ये रूल था कि कोई भी शादीशुदा अभिनेत्री प्रभात में काम नहीं करेगी। इन सब कारणों से उन्होंने प्रभात फिल्म कंपनी छोड़ दी और मुंबई आकर राजकमल कला मंदिर नाम से एक नए स्टूडियो की नींव रखी, जिसे उन्होंने अपने माता पिता को समर्पित किया। उनके पिता के नाम राजाराम से राज और माँ कमलाबाई से कमल लेकर बना राजकमल। जेबीएच वाडिया के परेल में बने स्टूडियो को किराए पर लेकर शुरुआत की गई,
बाद में उसी स्टूडियो को वी शांताराम ने खरीद लिया। राजकमल कला मंदिर की पहली फिल्म थी शकुंतला। इसके बाद डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, जिसका इंग्लिश वर्जन लंदन में इंडिया लीग में दिखाया गया। ये दोनों फिल्में बहुत सराही गईं। राजकमल कला मंदिर की फिल्मों का फोकस ज्यादातर सोशल इश्यूज पर रहा। दहेज, तीन बत्ती चार रास्ता, सुरंग और सुबह का तारा जैसी फिल्में 50s के शुरुआत में आईं। लेकिन एक आम सिनेमा लवर वी शांताराम को जिन फिल्मों के लिए पहचानता है वो इसके बाद आईं। झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें बारह हाथ, नवरंग, सहरा, गीत गाया पत्थरों ने, बूम जो बन गई मोती, जल बिन मछली, नृत्य बिन बिजली। इन फिल्मों में क्वालिटी भी थी, एंटरटेनमेंट फैक्टर भी था और क्लास भी। इनमें से ज्यादातर फिल्में क्लासिक की श्रेणी में रखी जाती हैं और हर एक का विषय अपने समय के लिहाज से काफी नया और अलग था। दो आंखें बारह हाथ की कहानी अपराधियों को सजा के बजाय सुधारने पर जोर देती है। तुम मेरा प्रयोग, ये तजुर्बा हमेशा के लिए नाकामयाब साबित होगा। सतारा के पास एक ओपन जेल थी स्वतंत्रपुर, इसकी कहानी उसी से प्रेरित थी और इस फिल्म को ढेरों अवार्ड से नवाजा गया। राजकमल कला मंदिर की फिल्मों की कामयाबी में जितना हाथ कहानी और निर्देशन का था उतना ही म्यूजिक का भी था, जो उन फिल्मों की तरह ही क्लासिक हुआ करता था। मालिक तेरे बंदे हम। 1972 में आई बाइलिंगुअल पिंजरा, इसके बाद कुछ और मराठी फिल्में आई और 1987 में आई झंझार राजकमल कला मंदिर की आखिरी फिल्म रही। दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण के अलावा अपनी फिल्मों के लिए कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले वी शांताराम 30 अक्टूबर 1990 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। वी शांताराम सचमुच एक जीनियस थे। उन्हें म्यूजिक, साउंड, डांस, कैमरा एंगल से लेकर लाइटिंग इफेक्ट, डायलॉग डिलीवरी तक सिनेमा के हर पहलू की जानकारी थी। इसीलिए उनकी फिल्मों का हर पक्ष एकदम परफेक्ट होता था, जिस पर उनकी पकड़ साफ नजर आती है। अपने पूरे फिल्मी सफर में उन्होंने करीब 92 फिल्मों का निर्माण किया, 55 का निर्देशन किया और 25 में अभिनय भी किया। उनकी कामयाबी का राज था वक्त के साथ बदलते रहना, फिर भी भीड़ में ना खोना, नयापन, अपनी एक अलग पहचान बनाए रखना।